हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं किवी के समोसे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा और इसे धो के मैंने रख लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो एक पैन में इसे मैंने डाला है और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल करने के लिए, और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये आप डालिए 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं आप। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। अभी मैंने तेज़ फ्लेम पे रखा है, फिर मैं इसको थोड़ा स्लो कर लूँगी। ये मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है मैंने, और ये देखिए पूरा अच्छे से ये पक गया है। और साथ में हम इसी पैन को मैंने दोबारा रीयूज़ किया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना है हमें, 2 टेबल स्पून के करीब आप ऑयल ले लीजिए। और साथ ही मैंने यह कि 1 बड़ा ऑनियन था प्याज, इसको मैंने चॉप किया हुआ है स्क्वायर में, मुझे यही शेप ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ये इसमें डाल दिया है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम, हल्का सा हम इसको सॉटे करेंगे बस। और फिर उसके बाद हम इसमें जो हमने ग्रीन चिली जो थी, हरी मिर्च, हमारी 2 हरी मिर्च ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि बच्चों को परेशानी होती है फिर खाने में, तो ये वो डाली हुई है। फिर ये कुटी हुई लाल मिर्च ये मैंने डाली हैं, ये भी मैंने 1 टीस्पून के करीब ली हैं क्योंकि मेरी ये हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों ही तेज़ हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मिर्ची पे डिपेंड करता है। और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला। और नमक हम पहले डाल चुके हैं, तो नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे कि हमें कम खाना है या ज़्यादा खाना है, क्योंकि नमक हमने बॉयल करते में हीट किया हुआ है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और हमारी यम्मी सी फिलिंग तैयार है। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे 5 से 7 मिनट, और इसमें फिर हम डालेंगे हरा धनिया। और देखिए कितनी यम्मी खूबसूरत सी रंग बिरंगी सी हमारी फिलिंग रेडी है। और अब हम बनाएंगे इसके ठंडा होने के बाद समोसा। अब उससे पहले हम बना लेंगे, ये 2 टेबल स्पून के करीब मैदा है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये हम इसको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसका थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसे लेई भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये पेस्ट हम तैयार करेंगे। और समोसा पट्टी जो मैं मार्केट से मैं लेकर आई थी डीमार्ट से, तो बहुत अच्छी है ये, काफ़ी देखिए कितनी बारीक पतली सी बिल्कुल, बहुत खस्ता बनते हैं इसके समोसे। तो ये देखिए जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे बनाना है, अच्छे से इसके अंदर फिल करना है, फिलिंग ज़्यादा कम नहीं करना है उसको, बिल्कुल सही होना, ओवर करना है हमें मीडियम। और ये इस तरह से इसको लपेटते जाना है हमें सब तरह से कोने बिल्कुल, ताकि कोई कोना रह ना जाए। और ये जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है इसको हम इसमें लगा देंगे अच्छे से, सब जगह से हम जितने भी इसके ज्वाइन से सारे हम इसको पैक कर देंगे, ताकि कहीं से भी कुछ भी मटेरियल इसका जो हमने फिल किया हुआ है वो बाहर ना आए और तेल भी ज़्यादा इसमें अंदर ना भरे। तो इसी तरीके से हम सारे समोसे अपने रेडी कर लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है शुरू में, 1-2 समोसे बनाने में दिक्कत होती है, बाकी फिर तो इसलिए बन जाते हैं। और सारे समोसे बस इस तरह से तैयार कर लेंगे, देखिए कितना इजी है, बस इस तरह से हमें इसे घुमाना है और हमारा यम्मी सा समोसा रेडी है। और घर की बनी हुई चीज़ें काफ़ी हाइजीन होती हैं, हाइजीनिक होती हैं, अच्छी होती हैं, ऑयल अच्छा होता है, हमारे हाथ अच्छे होते हैं, हम बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो आप घर में बनाइए हर चीज़, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए और हेल्दी रखिए खुद को भी, अपनी फैमिली को भी। थोड़ी मेहनत लगती है बट सब अच्छे से बन जाता है। ये देखिए कितने बढ़िया से रेडी हो गए हैं हमारे सारे समोसे। ये मैंने कुछ समोसे आपके सामने रखे हैं, सारे नहीं हैं, बने तो बहुत सारे थे, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई के लिए हमने ऑयल लिया है,
अब ये ऑयल जब गर्म हो गया तो हमने इसमें अपने समोसे डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो ये ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, 2 से 3 समोसे ही डालेंगे, जितने बड़ा आपका बर्तन है, कढ़ाई जो भी है उसके अकॉर्डिंग। और स्लो आँच पे इनको, मीडियम से स्लो आँच पे रखेंगे हम, और धीरे धीरे इनको फ्राई होने देंगे ताकि ये अच्छे से कुरकुरे से बने। तेज़ आँच पे हमें इनको बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, इनको स्लो ही रखना है। ये देखिए, जब इस तरह से कला, बीच बीच में आप इनको अलट चपलटते रहें। और ये हमारे यम्मी से समोसे रेडी हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए आपके समोसे कैसे बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।